खालिस्तानी समर्थक पन्नू बीते एक साल से निरंतर मुख्यमंत्री को धमकियां दे रहा है। प्रदेश के पत्रकारों और नेताओं को भी फोन करके धमकियां दी जा रही है। धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर भी खालिस्तानी समर्थक द्वारा नारे लिखे गए, जिसके बाद अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी फ्रंट चीफ MS बिट्टा ने पन्नू को चेतावनी दी है और भारत सरकार को जल्द पन्नू पर कार्रवाई करने की मांग की है। बिट्टा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तान और ISI के इशारों पर काम कर रहा है। बिट्टा ने पन्नू को चेतावनी दी है कि वे हिमाचल के मुख्यमंत्री को बार बार धमकी देना छोड़ दें, अगर हिम्मत है तो उनसे आकर बात करें। उन्होंने कहा कि पन्नू ने पगड़ी कभी पहनी नहीं, दाढ़ी कभी रखी नहीं, वे कहाँ से सिख बन गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल, पंजाब और सारा देश हमारा है, इसलिए सभी को खालिस्तान मुर्दाबाद कहना होगा। ये आवाज गुरुद्वारे से भी उठनी चाहिए। बिट्टा ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है, यहाँ सुरक्षा को अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन पन्नू जैसे गुंडे मुख्यमंत्री को धमकियां दे रहे हैं। प्रदेश के सिखों को इस लड़ाई में एक होना होगा। खालिस्तान ना कभी था और ना कभी होगा। हिमाचल के सिखों को खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी होगी। उन्होंने भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेने और पन्नू को विदेश से पकड़ कर सलाखों के पीछे करने की मांग की है। और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि पन्नू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वहाँ से उनको इधर लाया जाए। ये बड़ा सीरियस मुद्दा है जो कल आपके अखबारों में छपा कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब जाएंगे फौरन में तो हमें इतला दी जाए। इसका मतलब ये हुआ चीफ मिनिस्टर को निशाना बनाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर का जानी नुकसान करना चाहते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब की किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हिमाचल के लिए जो उन्होंने किया, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने पीछे जब खालिस्तान के नारे लगते हुए जब दीवारों पे जब आए और पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को बताया, ये नहीं हो सकता पूरे हिमाचल के अंदर स्कूटर मोटरसाइकिलों के ऊपर खालिस्तान के नारे लगते हुए आए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अगर उसको देखते हुए वो कहते हैं निशाना बनाएंगे तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस रहने की ज़रूरत है। अभी इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, 4 आतंकवादी करनाल में पकड़े गए, हथियार पकड़े गए, तरनसार से हथियार पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया। कौन आवाज उठाएगा? सिख संगत को, हिमाचल की, पूरे देश की, जो बाहर रहते हैं, जिनके लिए खतरे की घंटी बनते हैं ये लोग, जिनके हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है, उनको बाहर निकलना होगा। मेरी तरह आना होगा उनको बाहर, और इनका विरोध करना होगा, कहना होगा खालिस्तान मुर्दाबाद, और कहना होगा खालिस्तान अब कभी बना था न कभी बनेगा। हिमाचल हमारा है, पंजाब हमारा है, सारा देश हमारा है। सिख समाज के लोगों को मेरी हाथ जोड़ के उम्मीद है गुरुद्वारा साहब में इकट्ठ करना शुरू कर दे। मेरा हिंदू भाई को बयान नहीं देगा, फिर यह कहेंगे ये फिरका प्रस्त है, फिर ये कहेंगे हिंदू है, इनको मैं जानता हूँ, इन्होंने ये बयान दिया था, इन्होंने फिरका प्रस्ती की है, जबकि हमारा रिश्ता 9 मास का रिश्ता है। मुझे पता है इनकी करतूतों का ये क्या बोलेंगे। मेरे सिख भाई निकले बोले, पंजाब हो या दिल्ली हो या हर जगह हो या हरियाणा हो, आवाजें उठे खालिस्तान के हम खिलाफ है। अगर हम खालिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो मैं समझता हूँ हम गुरु महाराज की जो असूल है उनके साथ धोखा करते हैं, हम पगड़ी का अपमान करते हैं। हमें कुछ नहीं कहना, हमें गुरुद्वारा साहब के अंदर से आवाज उठानी है, हमें मीडिया वालों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ सिर पे परना बांध करके बिठा करके, हाथ धो करके, मत्था टेक करके बिठा करके वहां बोलना हम इनके खिलाफ है। पन्नू अगर तू खालिस्तान चाहता है पहले हमसे बात कर ले। हम कितने सालों से इस हिमाचल की धरती पे हैं, हमारा जन्म सब कुछ इधर है,